चीन की सोलोमन डील के बाद अब चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है कि सोलोमन आइलैंड पर चीन की ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग, और वार्निंग यह है कि सोलोमन आइलैंड से दूर ही रहे ऑस्ट्रेलिया। चीन ने यह बड़ी धमकी दी है, चीन का सामना करने की हिम्मत न करे ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, एक तरफ सोलोमन और ऑस्ट्रेलिया के बीच, आपको बता दें कि सोलोमन और चाइना के बीच पहले सीक्रेट डील साइन हुई और उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सीधे तौर पर यह धमकी दी है। दरअसल चीन की सोलोमन डील ऑफिशियली साइन होने से पहले लीक हो गई थी, जिस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सफाई देनी पड़ी थी कि डील किसी देश के खिलाफ नहीं है। और अब ये समझना जरूरी है कि चीन की इस पूरी डील के पीछे की आखिर मंशा क्या है, ड्रैगन के माइंड में क्या चल रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं, सोलोमन डील है क्या, इसके बारे में जानिए, और ड्रैगन का डेंजरस प्लान क्या है ये भी आपको बताते हैं। प्रशांत महासागर में दबदबा कायम करना चाहता है चीन, और सोलोमन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने का चीन का प्लान है। सेनकाकू आइलैंड को जापान से छीनने की भी साजिश है। इधर साउथ चाइना सी में एक छत्र साम्राज्य कायम करने की रणनीति चीन की है। ताइवान की जंग में पड़ोसी देशों के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी सोलोमन द्वीप से ही बनाना चाह रहा है ड्रैगन। सर, आपको क्या लग रहा है, जो सोलोमन डील है जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया को भी अब चीन ने धमकी दे दी है, क्या एक युद्ध की शुरुआत जो है वो इस डील से हो सकती है? इस वक्त ड्रैगन एक बड़ी प्लानिंग में है। देखिए, युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में आज की बात नहीं है, पिछले एक डेढ़ दो साल से काफ़ी कुछ तलखियाँ चल रही हैं और हर चीज़ में वो लोग ऑपोजिट गुट में दिखे जा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना अस्तित्व और बचाने के लिए ये सब बात की है। और चाइना चाहता है कि उसका दबदबा वहाँ पर, जो जैसा आप लोगों ने बताया, प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में और सब जगह अपना दबदबा बढ़ाए, और सोलोमन आइलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो इसमें बिक चुके हैं। लेकिन सरदाना सर, सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री अगर बिक चुके हैं तो चाइना के पास क्या अब बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई, अगर ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भी देख लेते हैं, अमेरिका के लिहाज से अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो? देखिए, सोलोमन आइलैंड्स बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और चाइना ने वहाँ पर एक इकोनॉमिक एड, इकोनॉमिक हेल्प की तरीके से अपना एक घुसपैठिए की तरह घुस गए हैं वहाँ पर, और आज ना सही भले ही पांच साल के अंदर ठीक है, हाल होगा जो ठीक है। लेकिन, लेकिन लेकिन एक चीज तो है कि शुरू से हमने ड्रैगन की इमेजिनेशन यही देखी है कि मुंह से आग उगलता है और जो भी उसके करीब जाता है वो जलता है। तो छोटे द्वीप, छोटे देश, मुझे लगता है कि सबकी स्थिति यही होगी अगर वो चाइना के करीब गए तो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।